जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, आप देख रहे हैं रास्ता टीवी। इस वक्त मौजूद हूं मैं UC 33 में पीपी सतारा में, और यहां पर कुछ ही देर बाद रिजल्ट आने वाला है। और यहां पर बहुत कारकुन PTI और नून लीग के बहुत कारकुन यहां जमा हैं। इनसे पूछते हैं जी कौन जीतेगा सर? अभी कोई पता नहीं, अंदर से रिजल्ट आएगा तो पता लगेगा। वैसे कोई पता नहीं, आप देख रहे हैं PTI तमाम कारकुन PTI के नारे लगा रहे हैं। एक मिनट, आप आगे आ जाए सर जी। शान आप क्या जी? PTI आगे आ जाते। अब आपने PTI का नजरिया सुने, आप सामने नून लीग के कारकुन जी नाजरीन आप देखे का, ये नून लीग के कारकुन जहाँ पे जमा है। जी कौन जीतेगा? जो मर्जी जीतेगा जी। PTI मुस्लिम लीग नून, मुस्लिम लीग नून। पीछे आराम से जी बताएं। जी बताएं कौन जीतेगा सर? कुछ नहीं कह सकते, अभी इंतजार कर रहे हैं। मनार कोई नहीं कह सकते जी। जी आप? नवाज शरीफ जीतेगा। नवाज शरीफ, अच्छा इंशाल्लाह शेर जीतेगा, हम शेर के साथ हैं। इंशाल्लाह शेर, इंशाल्लाह शेर। आराम से नवाज शरीफ आए। PTI जी नाजरीन आप देख रहे हैं जिस तरह तमाम यहाँ पर PTI और नून लीग के कारकुन मौजूद हैं। और आगे चलते हैं जी, कौन जीतेगा सर? करतारपुरा PTI नहीं जी आ सकती। शेर 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 जी नाजरीन PTI जी। अंकल जी। जी सर कौन जीतेगा सर? कैदी नंबर 804 जी। बच्चा इंशाल्लाह नवाज शरीफ जीतेगा इंशाल्लाह। ओके आप जी इंशाल्लाह PTI इमरान खान कैदी नंबर 804 जी। जी फिलहाल तो दोनों जमातों का जोर है जी। आपके सामने भी रिजल्ट तो अनाउंस नहीं हुआ, लेकिन लोग अपने अपनी पार्टी के लिए शोर मचा रहे हैं। देखिए आपकी क्या राय है? देखिए जी अभी रिजल्ट जब आएगा तो सामने आ जाएगा। वैसे यहाँ PTI को भी अच्छा वोट पड़ा है और नून लीग को भी काफी वोट पड़ा है जी। जी लेकिन देखिए अभी फैसला कौन बनाएगा तो अभी आपको सामने आ जाएगा आपके। ठीक, बहुत शुक्रिया। जी जी कौन जीतेगा सर? इंशाल्लाह PTI कौन जीतेगा? हाँ जी PTI या अब तो भैया का नस्ता है जी भाई। PTI जी अंकल जी मैं ठीक है PTI शेख साहब नहीं आया। वैसे क्या राय है आपकी? जी जी नून लीग जी इंशाल्लाह। नून लीग नवाज शरीफ जिंदाबाद। हाँ जी नून लीग। अस्सलाम वालेकुम जी। बिल्कुल नून लीग। नून लीग को आपने वोट डाला? जी बिल्कुल नून लीग को वोट डाला। चलिए इंशाल्लाह अभी थोड़ी देर में रिजल्ट आ जाएगा तो बाद में पता चलेगा। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह जीतेगी और आएगी और इकतदार में आएगी और कारोबार भी अच्छा होगा इंशाल्लाह। अच्छा आप समझते हैं नून लीग जो आएगी वो कारोबार में तब्दीली लाएगी? बिल्कुल आएगी और रेट भी तसलसल बरकरार रहते हैं और बाकी मामला भी होते हैं, अमन भी रहते हैं। अच्छा चलिए बहुत शुक्रिया। PTI 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 कैदी नंबर 804
क्यों आए पीटीआई? क्योंकि उसने इस्लामोफोबिया के खिलाफ रेजोल्यूशन मंजूर करवाई। अच्छा। और इस्लाम मुकदमा लड़ा यूनाइटेड नेशन में ला के गए और मकबूजा कश्मीर का मुकदमा उठाया और फलस्तीन का मुकदमा उठाया और इंस्टीट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने की बात करता है। और भाई कोई राय देना जी? पीटीआई से मंडी आई। मंडी आई पीटीआई। हाँ जी चले ठीक है। नंबर 408 आपने किसको वोट डाला? मैंने जी शेर को। शेर को? हाँ। तो क्या समझते हैं शेर इस वक्त आपकी जरूरत? अभी 50-50 है, कंफर्म नहीं है सारी तरफ से। अच्छा। जब कंफर्म होगा फिर पता चलेगा क्या बात। बहुत शुक्रिया। इतलाफात रखे हैं लेकिन अपने जो रिश्तेदार दोस्त यार हैं वो एक ना का मसला ना बनाए ना जंग लड़े। ये सियासत आने जाने वाली चीज़ है लेकिन ये है कि जिस तरह ये मैं और भाई हैं ये आपस में नून लीग और पीटीआई अपनी जगह पे है। जी जी बिल्कुल। तो ये है कि अपनी जाती ना के लिए ना करें कि नून लीग शेर और पीटीआई बल्ला वगैरह वगैरह। दोस्ती यारी अपनी जगह पे होती है। ये सियासत अच्छी चीज़ है लेकिन ये है कि जाती मामला को निजी रखे। आपका कहने का मतलब है इलेक्शन एक दिन है खत्म हो जाएगा, आपने सारा जिंदगी कठे रहना? बिल्कुल, हमने इधर ही रहने। जी काशी भाई अस्सलाम वालेकुम। जी किसको वोट डाला आप? सर हमने इमरान खान को डाला है वोट। इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए वो बेहतरी करेगा। आगे भी उसने हेल्थ कार्ड दिया है, ठीक है, लंगर खाने दिए हैं उसने, उसके बाद गरीबों की उसने बहुत ज़्यादा मदद की है। अच्छा। नून लीग ने सिर्फ ईंट सीमेंट रेत बजरी निकालने, इनकी सियासत में इसके अलावा कुछ नहीं है। तो आप समझते हैं कि अगले 5 साल पीटीआई के हैं? इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक खैर करेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह जी हमने शेर को वोट डाली, इंशाल्लाह शेर ही आएगा इंशाल्लाह। नवाज शरीफ अल्लाह ने चाहा तो अगले 5 साल शेर गई है, नवाज शरीफ गई है। इंशाल्लाह पीटीआई है, इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगा। देखो बात कर रहे हैं।